में आपका स्वागत है। स्कूलों में इन दिनों गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं। वक्त है स्कूली बच्चों के खेलने कूदने मौज मस्ती का, लेकिन इन्हीं दिनों दिल्ली में ऐसे कुछ बच्चे अपने भविष्य की बुनियाद रख रहे हैं जो आमतौर पर स्कूल जाना पसंद नहीं करते। ऐसे बच्चे जिनकी शरारतों के चलते उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया या फिर जिनकी शैतानियों से बाकी बच्चे खौफ खाते हैं। ये बच्चे दिखा रहे हैं कि मानसून की पहली बारिश आखिर कैसी होती है। रिमझिम फुहारों के साथ बिजली कड़कती है और बच्चे डर जाते हैं। मौसम सुहावना हो जाता है, लोगों को गर्मी से राहत मिलती है। दरअसल ये बच्चे नाटक के जरिए अपने कोर्स की तैयारी कर रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जो एमसीडी की चौथी क्लास में आम बच्चों के साथ ही पढ़ते हैं, लेकिन जिस तरह से टीचर पढ़ाती है वो उन्हें पसंद नहीं, इसलिए या तो वो पढ़ना ही नहीं चाहते या फिर स्कूल में पढ़ाई के वक्त शैतानी करते हैं। बच्चों का कहीं स्कूल से नाता न टूट जाए, इसके लिए ये प्रयोग पहली बार एमसीडी के स्कूलों में चल रहा है। मेरा खेल में भी मन लगता है और पढ़ाई में भी, इसलिए मैं चाहती हूँ मैं खेल भी खेलूं भी और पढ़ाई भी करूं। और इसमें समर कैंप में मुझे खेल भी मिल रहा है और मुझे पढ़ाई भी मिल रही है, मुझे दोनों, मुझे समर कैंप बहुत अच्छा लगा। नाटक के साथ साथ जिन बच्चों को डांस में दिलचस्पी है उन्हें डांस के माध्यम से कोर्स पढ़ाया जा रहा है, यानी बच्चों को मजे मजे में कोर्स भी पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ये उन बच्चों के लिए है जो हमेशा स्कूल जाने से कतराते हैं और अगर कहीं चले जाएं तो आराम से नहीं बैठते। सर ज्यादा नहीं, एक बार एक का लड़ाई में सर फाड़ दिया था और एक बार किमाड़ का होती खिड़की होती है वो तोड़ी थी बस। अब कैसा लग रहा है? सर अब तो बहुत अच्छा लग रहा है, जब से समर कैंप लगा है मुझे पढ़ना लिखना, मेरे को ज्यादा मजा नहीं आता था कि पढ़ लिख कर क्या करना है। मेरे पापा भी मुझसे यही कहते हैं बेटा पढ़ लिख के करना क्या, चाय की दुकान तो संभालना, हमारे पापा का चाय का दुकान है। जब डांस और नाटक की क्लास खत्म हो जाती है तो ए बी सी डी की भी पढ़ाई की जाती है, क्योंकि उस वक्त बच्चे जोश से भरे होते हैं। जो पढ़ाई वो आम क्लास में नहीं करते यहाँ आराम से कर लेते हैं, और यही मकसद है एमसीडी के समर कैंप का, जहाँ ऐसे 350 बच्चों में आत्मविश्वास जगाने की कोशिश हो रही है जिन्हें या तो फिसड्डी कहा जाता है या फिर शैतान कहकर सब उनसे पीछे।